हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी सुबह सुबह उठ चुके हैं, बज रहे हैं 10:15। तो 4 बजे तो सोया था, तो 10:15 बजे तो हो ही जाएंगे इतना टाइम। अब चलते हैं, सुबह सुबह चाय पियेंगे, चाय गर्म करते, कहाँ देखते चाय रखी है कि नहीं। चाय तो रखी है मम्मी ने, ये रखी है चाय, इसको गर्म करेंगे और उसके बाद पियेंगे। सुबह सुबह तो सबसे पहले चाय ही पीना पड़ता है, चाय के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। तो चाय गर्म कर रहे हैं, ये हमारी चाय डंके में जाते हुए, इसके बाद एक गिलास और पियेंगे, ये तो माइंड फ्रेश करेगी। बाकी तरोताजा करने के लिए एक कप और चाय पियेंगे। तो भैया सुबह सुबह चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। अब मम्मी हमारे साथ ज़्यादा किचन में आ रही, आवाज़ आ रही है, तो मम्मी दूसरी चाय बनाएंगी, ये वाली चाय मैं गर्म कर रहा हूँ और चाय पीता हूँ और फिर आपसे बात। मम्मी हमारी पना बनाते हो, मम्मी कौन सा वाला बनाओगे? मीठा वाला। मीठा वाला बनाओगे? नमक वाला नहीं बनाओगी? नहीं, कल बनाए थे मीठा वाला। हाँ अच्छा लगा था, मजा आई थी कल वाले में। तो आज भी बना रही। कल तो मैं 2 गिलास पी गया था। आज भी पी गया। भैया पानी भी पियोगे कि पना भी पियोगे? थोड़ा अच्छा मीठा करना पड़ेगा, जैसे कल वाला था। मस्त मजा आया भैया, गर्मी में पने का सहारा है। बर्फ का पानी ना पिए, पना पिए, नेचुरल चीज, आम का पना। मीठा भी पी सकते हैं, नमकीन भी पी सकते हैं, जलजीरा वाला तो और अच्छा लगता है। और अपन को तो मीठा पसंद है भैया, मीठा पिएंगे हम लोग तो। भैया बर्नी ले आएगा पूरी उठा के? बहुत बढ़िया। हाँ डालो डालो, अरे नहीं तो कल छोड़े से डालो। एक, ये दो, ये तीन, चार, ज्यादा हो जाएगा। मम्मी तो पियेंगी नहीं। क्यों? मम्मी बना रही, मम्मी नहीं पियेंगी। वाह बहुत बढ़िया, तो भाई होशियार हो बस। भैया बर्फ निकालना, एक ही ट्रे से भी कम निकालना है, एक ही ट्रे से कम। अरे बहुत सही जम गई आज तो, बहुत बढ़िया। एक गिलास में डालो, पहले उसी में डाल दो। हाँ उसमें भी डाल दो ना। हाँ डाल दो। अरे पना ही पना मजा आ रही रोज। मैं 5 किलो आम और ले लेता हूँ। 5 किलो आम। हाँ मीठा अचार भी। अरे खाना अच्छा खपता मीठे अचार के साथ में, खाना अच्छा खपता है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता मीठा अचार। अरे भैया बस, कोरोना चल रहा, कोरोना चल रहा है, बर्फ कम यूज करो। हाँ बढ़िया है, पाना ऐसे ही घोरा जाता हाथ से, नेचुरल। हाँ रख दो फ्रिज में, रख दो फिर से भर जाएगी वो। हमारे यहाँ कूलर इतनी आवाज करता है यार, इतनी आवाज करता है कि बात करना मुश्किल हो जाती है। पना पियेंगे पना। वाह 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 वाह, दो दो गिलास मिलेगा लग रहा आज तो। कल तो मैंने 1.5 गिलास मार दिया था। कल तो मैंने 1.5 गिलास पिया था, 1.5 गिलास। अरे बाल तो देखो आज, ना वैक्स लगे ना जेब तेल लगा, ऐसे ही भूगर भूगर बाल हो गए हैं। देखो भैया मैंने दाढ़ी बना ली, दाढ़ी सेविंग हो गई मेरी, ये चिकना चिकना हो गया मैं। भाई साहब आप दाढ़ी कब बनाएंगे? आज शाम को। आज शाम को है ना, हमारी कलम भी छोटी छोटी कर दें, थोड़ी बढ़ गई है। हमें नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा, हमें भी दे दो यार, पहले पी लिया बका बक पूरा। देखो हमें भी तो। ये भैया हमारी गिलास आ गई, देखो हम पियेंगे पना। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत शानदार, एक नंबर है, बढ़िया है। अरे हो गया, फैलाना बंद करो ना, हमें और दे दो फटाफट। भैया पंखा सुधार रहेगा फिर से? अरे आ गए तुम,
ये फिर बंद हो गया, पापा चिल्ला रहे हैं। हाँ। बोल रहे हैं कि पंखा चल नहीं रहा है, देखो ये अपन ने कल सुधार, कल चल रहा था ना। हाँ, कल तो अपन सुधार के रखा है, ये देखो ये चल नहीं रहा। अभी पंखी क्यों जाम हुई, अब खोल के देखते हैं एक बार इसको फिर से। हाँ। है ना, एक बार तो जोर जरा खोल के देखते हैं, नहीं तो एक काम करें, इसको तो सुधारता है तो ठीक है। हाँ। अगर सुधर भी गया तो एक दिन ज्यादा नहीं चलेगा। सही बात है। बाइंडिंग चली गई। हाँ, वो कड़ापन तो आ ही गया था उसमें। हाँ। कल भी कड़क था, अब देखते हैं खोल के। और नहीं तो एक काम करते, पापा के कमरे का जो पंखा है ना, हाँ, बगल वाले कमरे में लगा देते हैं, बगल कमरे का जो पंखा है जो चल रहा है वो यहाँ शिफ्ट कर देंगे, वो यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो पापा को हवा मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसका भरोसा है नहीं, क्योंकि पापा का सीलिंग फैन भी बंद है ना। सही बात है। तो गर्मी में पंखा बंद हो जाने का मतलब ये है, अपन खरीदने भी जाएंगे तो दुकान में मिलेगा नहीं। गर्मी में पंखे का बंद हो जाना कितनी बड़ी समस्या है, सब समझ सकते हैं। और ऊपर से लॉकडाउन लगा है, ये देखिए टाइट हो जाए पंखा, ये बहुत टाइट है, बहुत टाइट है। अब तो लॉकडाउन बढ़ने वाला भी, तो पंखा भी सुधरेगा नहीं। रुको, देखो खोलो उसको, इसको तेल डालता हूँ थोड़ा सा, रुक जाओ। हाँ, शायद थोड़ा सा आधी चम्मच तेल डाल दो तो शायद फिर चल जाए वो। कल ऐसे ही हुआ था, तेल डाला था तो चल गया था। कल पंखे में तेल डाल दिए थे तो मोटर में चल गए, मेरे को नहीं लग रहा वो दो तीन दिन से ज्यादा मोटर चलेगी, क्योंकि तेल डाला तो मोटर का ही समझो। थोड़ा सा तेल डाल, हल्के से डालना, ज्यादा नहीं डाल, नहीं तो मोटर चल जाएगी तेल से भी। एक पंखा उड़ चुका है, पापा नोड़ाए थे उसमें खूब सारा तेल डाल दिए थे। अच्छा, हाँ, को ढीली से तो हुई है, हुई 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 काम हुआ, मेहनत सफल हुई है। लगाए प्लग, लगाए प्लग, लगाए, रुको ठहरो, पोंछ लो अच्छे से, टाइट कर लो। हाँ, लगाए प्लग, एक बार चल लगा के दे। जय भगवान जी, मोटर चालू कर दो, नहीं तो मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। अरे हो गई, बहुत बढ़िया, एक नंबर। पर ज्यादा नहीं चलेगी, जिस हिसाब से स्पीड कम हो रही ना इसकी। ये फुल पे चालू किया मैंने अभी। हाँ, लग रही हवा लो, लो, पहले लो हो गई है ना, पहले से कम है ये हवा, ठीक है ना, थोड़ा बहुत हवा तो खाई। चलो कम से कम काम तो चालू हो गया, बड़ा वाला एक काम तो लगे हाथ, ऊपर वाला भी पंखा खोलवा। अरे रहने दो, इसी को चला दो, कल मेहनत करवा लीजिए। अरे नहीं यार, आज मेहनत मत करवा यार, थक गए यार। मान तो मेरी बात, टाइट है। चलो भैया, पंखा चालू हो गया, बहुत बड़ी समस्या हल हो गई। इस पंखे को सुधारने के लिए हमको किचन के आना पड़ता है, क्योंकि हाइट पे ही खड़े होकर इसको सुधारा जाता है, नीचे बैठ के तो सुधरता ही नहीं है, ये नीचे तो बैठा ही नहीं जाता बिल्कुल भाई, मेरे से तो नीचे बैठता नहीं बनता। हाँ, पैरों में ये लॉकडाउन बढ़ाया हो ना जो, नहीं नहीं, नहीं यही लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन जो बढ़ा है ना, यही सबसे बड़ी मुसीबत है तुम्हारे लिए। सरकार डेट बढ़ा रही, तुम अपना पेट बढ़ा। सरकार अरे भैया कम करो, कल से करने की इच्छा नहीं हो रही है। नहीं नहीं, कल से तो मैं एक्सरसाइज करूंगा, सोच रहा हूँ, मेरा हाथ भी दर्द है ना, तो उसमें भी ठीक हो जाएगा कम से कम। चलो भैया, पंखा बन गया, नहीं तो अभी पापा आगे फिर चल जाते हैं, मेरा पंखा का ही नहीं सुधारे तुम लोगों ने। नहीं पापा, बोलते पापा पंखा नहीं बस सुधर पा रहा, कितनी मोहब्बत है ना, सब निकल जाएगी, सब निकाल देंगे दो मिनट में तुम्हारी मोहब्बत। और वही लॉकडाउन में निकलेगी, घर ही में रहना है। नहीं जा नहीं सकते। अरे रहन दे भैया, काहे के लिए परेशान करवा रहे हो, गाली करवाओगे, कटवाई करवाओगे हमारी। नहीं, मैं जाके बोलूंगा पापा पंखा नहीं सुधरा। पापा पंखा सुधर गया, हमारा पंखा सफलता पूर्वक चलते हुए भैया नटों को बहुत अच्छी हवा देने लगा फिर भी। हाँ, बहुत बढ़िया हवा लग रही है, हवा खा के देख, हवा बाल उड़ रहा है, बाल उड़ रहा है क्या? हाँ, देखो बाल उड़ रहा है क्या, बाल उड़ने की स्पीड से पता चलेगा पंखा सही है कि नहीं। हाँ, आज मैंने बिना तेल और बिना वैक्स के रखे हैं तो गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। और आज दो दिन बाद हमारे घर नल आया है, टंकी में लगा दिया हूँ, पानी भर रहा है, बाल्टी भर लिए, पीने का पानी थोड़ा सा भर लिए हैं। मम्मी नल आया है, पीने का पानी भर लो। हैं, दो दिन बाद आया भैया पंखा, पीने का गंदा पानी आया दो बाल्टी, उसके बाद थोड़ा सा साफ आ रहा है। नहीं, उसके पहले आया, पापा भरे थे। भरे हैं? हाँ, तो मैं थोड़ा सा अंदर था कमरे में, पापा ने पानी भर लिया है पीने का, और कम से कम दो दिन बाद तो पानी की व्यवस्था हो, नहीं तो जा तो कहीं से ला जुगाड़ करना पड़ता पानी पीने का, पानी बहुत कम बचा था यार। हमेशा हमारे मई में पानी 5 दिन 7 दिन आता ही नहीं है,
बहुत प्रॉब्लम होती है पानी की। हमारे घर पे बंदरों का आक्रमण, ये देखो बंदर ही बंदर भाग रहा है। ये एक बड़ा बंदर बैठा है, ये देखो ये बड़ा बंदर, ये जो निकला ये बंदर निकला, ये देखो इतने सारे बंदर, बहुत सारे बंदर आए हैं यहाँ, तो पूरे घर पे बंदर ही बंदर आ गए हैं। और बंदर महाराज कैसे हैं, बस हमें ना काटियो, है ना। ये देखो, ये देखो इनका कारनामा देखो, ये देखो वाह बहुत बढ़िया पोज। हमने फोटो ले ली तुम्हारी, चिंता नहीं, बहुत बढ़िया। ये छोटे छोटे बच्चों को पकड़े हुए बंदर, छोटे छोटे बच्चे, ये देखो एक मेरे ऊपर से गुजर रहा है बालकनी से, ये देखो। हमारी मम्मी जी आम का मीठा अचार बना रही हैं। मम्मी आज ही बना दी ना बिल्कुल पक्के में, जो आम कट गए हैं धुल गए हैं, कढ़िया चढ़ गई है, मम्मी ने जो बघार डाल दिया, और मीठे तो अचार या इतने स्वादिष्ट लगते हैं ना खाने में, दाल चावल रोटी पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं वो अचार, और सिर्फ इसी मौसम में मिलता है आम, और अभी ही बन सकता है अचार, बाकी मौसम में तो सोचते रहो तो बन ही नहीं से पाता है आम का अचार। और मीठे वाले अचार तो मेरे को बहुत फेवरेट मौसम, गुड़ में तो गुठली तक चूस जाता हूँ। वाह तेज पत्ता का बघार, इसी से फ्लेवर उठता है मीठे अचार में, ये मीठे अचार की समझो जान है तेज पत्ता। अब इस बघार में आम डलेगा है ना मम्मी, तो गुठली इतनी मोटी मोटी ठीक रहेगी ना, बहुत बढ़िया, रात तक तो मिल ही जाएगा खाने को। आवाज सुनो, आवाज आप छन की जो आवाज आती है, आई लव आवाज, मोबाइल थोड़ा दूरी रखता हूँ तो भाप जम जाएगी। भैया आज रात को मीठे अचार मिल जाएंगे, बहुत दिन से सोचे थे मीठा अचार बनवाने की, मम्मी ने आज तो मन खुश कर दिया मीठा अचार। ये देखो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, शक्कर भी डाल सकते हैं, आपको जैसा चाहो वैसा बना लो, आपकी मनमर्जी है, जितना मीठा चाहो उतना मीठा बना लो। और खटास तो जो होती है मीठे के साथ वो गजब का कॉम्बिनेशन करती है यार, रोटी के साथ खाओगे तो जान आ जाएगी जान। जिस प्रकार नमकीन अचार को आप महीनों तक रख सकते हैं ना, वो तो सालों तक चल जाता है, ये तो महीनों तक आराम से चलता है। इसको स्टील के डिब्बे में आप करके फ्रिज में रख दीजिए, महीनों आप खाइए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, खराब नहीं होता ये, और जितना पुराना होगा उतना स्वादिष्ट लगेगा ये, तो मजा आ जाता है खाने में। मैं तो भुजा हुआ एक काम का टुकड़ा टेस्ट कर रहा हूँ, कैसा लग रहा है, खट्टा है। अरे बाप रे पूरा दिमाग हिल गया, इतना खट्टा आम है। गुड़ कम था तो मम्मी बोल रही शक्कर डाल देता, हमने बोले डाल दो बढ़िया, शक्कर भी डल जाएगा गुड़ भी डल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही जैसा है, तो बढ़िया बनेगा अचार, खाएंगे आराम से महीनों तक। लॉकडाउन में करें क्या, कुछ ना कुछ तो बनाते ही रहना पड़ेगा, टाइम ही पास नहीं हो रहा यार, टाइम ही पास नहीं हो रहा, सो के भी उठ जाओ, दिन में काम भी कर लो, नहा धो भी लो, टाइम ही नहीं कटता है। और जब जॉब पे जाते थे या काम करते थे तो टाइम को पता नहीं चलता था टाइम कहाँ चले गया, अब टाइम काटे नहीं कट रहा है। अब हमारा गुड़ वाला मीठा अचार आम का बन के तैयार हो गया है, अब इसको हम डिब्बे में खाली कर रहे हैं, मम्मी खाली कर रही है डिब्बे में। कितनी देर बाद मिलेगा मम्मी खाने को, अभी तो थोड़ा गाढ़ा सा हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा ना, ठंडा भी हो जाएगा थोड़ा अच्छे से, हाँ मजा आ जाएगी। चलो खाने के साथ खाएंगे इसको अभी रात में, अभी क्या गाढ़ा हो जाएगा ना रास्ता, हाँ थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा, अभी गर्म गर्म तो मुंह में चक जाएगा पूरा, तो बढ़िया। दाल रसगुल्ले नहीं है जी, आम का मीठा अचार है, गुड़हा अचार, इसको खाली कर दे, बहुत बढ़िया। आज हमारे घर में बना है मक्के के आटे के पराठे और सब्जी और आम की चटनी मैंने आपको जो दिखाई थी, अब इसको खाएंगे, हमारे भाई साहब बना रहे हैं और बड़ा स्वादिष्ट खाना है ये, इसका आटा है ये,
मतलब टाइम बहुत लगता है पराठे बनाने में, बहुत समय लगता है इसमें। चलो भाई अब तुम भी खाना शुरू करो। चलो हम अब खाते हैं और आपको। मेरा खाना आ चुका है, मैं खाना खा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये खाना खाता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। हो गई है बहुत रात, वीडियो करते हैं एंडिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड बाय, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।